ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के 24 जुलाई के संडे की शुरुआत में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम मेरेपन को समाप्त करें, ताकि हम निर्भय बन जाएं और एक ट्रस्टी बन जाएं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। बाबा कहते हैं, मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भवा। अब ये लिटरली मरने की बात, फिजिकल मरने की बात नहीं हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअल सेंस में अगर देखा जाए तो शरीर जगा हुआ है और आत्मा सोई हुई है। मतलब जिसको कहते हैं आत्मा डेड है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आत्मा जग जाए और हम शरीर की इच्छाएं, शरीर के रूप, रंग, पोस्ट पोजीशन और बाकी सारी चीज़ें जो हमें शरीर के लिए मिलती हैं, उनसे हम सुख, शांति, खुशी, आनंद, शक्ति, प्रेम खोजना छोड़ दें। तो शरीर के हिसाब से मर गए, आत्मा के हिसाब से हम जाग उठें। तो परमात्मा चाहते हैं, लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए, स्पिरिचुअली अवेकेंड और फिजिकली डेड। नई दुनिया में जीते हो। नई दुनिया कौन सी होगी? आत्मिक जगत की दुनिया। अब हमारी छठी इंद्री, ये पांच सेंसेस जो हैं, इसके द्वारा हम दुनिया को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सिक्स सेंस के द्वारा, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक शक्ति के द्वारा हम दुनिया को पहचानते हैं। तो हम क्या हो गए? हम पुरानी दुनिया के लिए तो मर गए, लेकिन नई दुनिया हमारे लिए शुरू हो गई है। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो तो मरे हुए हो। मरे हुए को मरने से क्या डर? अगर ऑलरेडी मरे हुए हैं पुरानी दुनिया से, हमें मरने से क्या डर? वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही, उनको किसी चीज़ से कोई डर नहीं रहेगा। फिजिकल चीज़ों से, फिजिकल डिजायर्स नहीं पूरे हुए तो उनको डर लगा होता है, लेकिन हमें नहीं होगा। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली मैं आऊं करेगी। मेरा तन, मेरा धन, मेरा घर, मेरी सोच, मेरे आइडिया, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ अगर होगा तो फिर अंदर क्या आएगा? लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, नफरत आएगी, तुलना आएगी करना, और ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? मैं आऊँ टाइप से अंदर आनी शुरू हो जाएंगी मन के अंदर, जिस कारण से हम थक जाते हैं चिंता करके, सोच सोच करके क्या होगा, कैसे होगा। तो परमात्मा कहते हैं, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुमने सब कुछ मेरे के ऊपर अर्पण कर दिया है और मेरा कहना बंद कर दिया है, परमात्मा पर अर्पण कर दिया है, तो तुम्हारे अंदर अहंकार, क्रोध, घृणा, नफरत, आलस्य बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, लोगों को मरने का, चीज़ों का या परिवार का, चीज़ों का भी या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो। अगर मैं ट्रस्टी हूँ तो ये घर मेरा नहीं, परमात्मा का घर है। ये फ़ोन मेरा नहीं, परमात्मा की सेवा के लिए फ़ोन है ना। ये शरीर मेरा नहीं, ये परमात्मा की सेवा में शरीर यूज़ हो रहा है। इस समय ये जो गला बोल रहा है तो परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, तो परमात्मा का दिया हुआ गला, उससे ये काम हो रहा है। तो मेरा तो है नहीं, तो फिर इसका अहंकार भी नहीं आएगा। तो परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें हल्का बना देता हूँ। तो आप ट्रस्टी हो, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये फिजिकल बॉडी भी मेरी नहीं। मेरी मतलब मैं आत्मा की, ये शरीर नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने लोन के लिया हुआ है, इस धरती से परमात्मा ने दिया हुआ है। इसलिए न्यारे हो, मतलब डिटैच्ड हैं, जरा भी किसी में लगाव नहीं। और जहाँ लगाव नहीं है, वहाँ पर घृणा नहीं आ सकती, लोभ नहीं आ सकता, मोह नहीं आ सकता, अहंकार नहीं आ सकता, ईर्ष्या नहीं आ सकती। तो कितने लाइट हो जाओगे आप? तो ये मेरापन कैसे छोड़ें? इसके लिए आप आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, सोल कॉन्शियस नॉलेज लीजिए कि आत्मिक स्वरूप में रहने से कैसे हमें हल्कापन महसूस होता है, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसमें आपको निःशुल्क दिया जाता है। इसके साथ ओम शांति।